पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी को भी एक औषधीय पौधा भेंट किया जा रहा है। उसके बाद हमारे विशेष प्रमुख सचिव महोदय को धन्यवाद महोदय। और मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती रेखा आर्य महोदया, मेरा निवेदन कि कृपया इस अवसर पर संबोधित करने का कष्ट करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज इस पीआरडी स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको जो आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं, अपने प्रदेश के, अपनी देवभूमि के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही युवा मुख्यमंत्री, जिनके आशीर्वाद से लगातार पीआरडी जवानों के हित में 2021 से जब से उन्होंने कमान संभाली और 2022, 2023 लगातार आपके स्थापना दिवस से लेकर, आपके स्थायित्व से लेकर, आपके विकास में जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और निर्णय जो करते आए हैं, अभी जिनकी मार्गदर्शन में ही बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट समापन हुआ, ऐसे हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस मंच पर उपस्थित है। हमारे विभाग के प्रमुख सचिव अमित सिन्हा जी, विभाग के डायरेक्टर सोनकर जी और विभाग के सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी हमारे दर्शकगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, और आज जिनका ये दिन है, ऐसे हमारे सभी पीआरडी जवान, आप सभी को आपके, हम सब के पीआरडी स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि पीआरडी स्थापना की तो बहुत पहले स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसको खुशी के रूप में सेलिब्रेट करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कर कमलों से हो पाया और 2022 से हमने यह क्रम उत्तराखंड बनने के बाद से प्रारंभ किया और उत्तराखंड बनने के बाद से उत्सव के रूप में मनाने का क्रम, वह कह सकती हूं कि यह अपना दूसरा वर्ष है। साथियों, यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, मार्गदर्शन में किस प्रकार पीआरडी जवानों के लिए उनके मनोबल को उच्चतम रखने के लिए, उनके अंदर उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस स्थापना दिवस को मनाने का संकल्प लिया और लगातार 2022 से हम इसको मना रहे हैं। मैं पुनः बधाई दूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी। पीआरडी जवान अपने आप में वो जवान है जो विषम परिस्थितियां जब जब अपने उत्तराखंड में होती हैं, ऐसी परिस्थितियां जो प्रदेश के लिए चुनौतियां बनती हैं, उन परिस्थितियों में अहम भूमिका निभाते हैं। आज यदि हम यह कह पा रहे हैं कि हमारा राज्य केदारनाथ यात्रा या अपनी चारधाम यात्रा को सफलतम कर पाया है, अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को सुगम और दुरुस्त कर पाया है, तो मैं उसका श्रेय भी आपको कहीं ना कहीं देती हूँ। मैं इस बात की प्रत्यक्ष दर्शी हूँ कि जब मैं यमुनोत्री की यात्रा में गई थी, गंगोत्री की यात्रा में गई थी, और खासकर जब यमुनोत्री की यात्रा में मैंने देखा कि मौसम परिवर्तन इतनी जल्दी होता है,
कि किस समय धूप निकलती है और किस समय बारिश हो जाती। तो मैंने अपने पीआरडी जवान को भरी बारिश के नीचे ट्रैफिक को दाएं बाएं या ट्रैफिक को दिशा दिखाते हुए देखा। उस दिन मेरे दिल में आपके लिए सम्मान का स्तर बहुत बढ़ गया कि वाकई विषम परिस्थितियों को फेस करने की क्षमता हमारे पीआरडीए जवानों में जबरदस्त है। इसके अलावा जब कभी भी कोई आपदा जैसी बात भी हो जाए तो हमारे जवान उसमें भी तत्पर रहते हैं। आज प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था दुरुस्ती के साथ चल रही है, निश्चित रूप से आप सब के सहयोग के साथ चल रही है। कांवड़ जैसी ड्यूटी को भी आप लोग बखूबी निभाते हैं। कोविड जैसे पीरियड में भी आप लोगों ने उसे बखूबी निभाया। निश्चित रूप से ये सारे दायित्वों के निर्वहन जो आपने किए हैं, शायद इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आपको किस प्रकार से और सशक्त किया जाए, आपके हित में और कैसे बेहतरीन निर्णय हो, वो लगातार क्रम दर क्रम उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। साथियों, 2021 के कालखंड में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मानदेय की धनराशि जो 500 रुपए प्रतिदिन हुआ करती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे 570 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया। ये पहली बार की बढ़ोतरी रही है। इसी से साफ संकेत है कि हम आपके लिए कितने गंभीरता से आपके विषय में विचार करते हैं। इसके साथ ही 2022 से लेकर अभी तक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो आपके हित के लिए, आपकी पहचान के लिए बहुत जरूरी थी। 2022 से ही पीआरडी स्वयंसेवकों के हितार्थ में सबसे पहले 11 दिसंबर को हमने विभागीय पीआरडी लोगो एवं झंडा इसके प्रारूप को स्वीकृति मिली और इसी मंच से हमने वो सबके सामने प्रस्तुत भी किया और विधिवत रूप से हमारे विभाग ने उसे अंगीकृत करने का काम किया। उससे पहले पीआरडीए का ना तो कोई अपना लोगो था, ना ही अपना कोई झंडा था, और 2022 से लोगो भी और झंडा भी इस विभाग के पीआरडीए जवानों की पहचान बनी। इसके साथ ही एक कदम आगे बढ़ते हुए आपकी भावनाओं के अनुरूप आप लगातार ये बात कहते थे कि हमारे जब कभी भी ऐसी घटना हो जाए कि हम ऑन ड्यूटी, यदि कोई ऐसी बात हो जाए, हम ना रहें, तो हमारे परिवारजनों या हमारे आश्रितों के लिए क्या व्यवस्था है, तो मैं कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से, आपकी पीड़ा को समझते हुए आप लोगों के लिए, आपके आश्रितों के लिए भी व्यवस्था दे दी गई है और आज आपके आश्रित आपकी जगह ले सकते हैं। यह शासनादेश निर्गत हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली माह अगस्त 2023 में प्रख्यापित की गई, जिसमें आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि करते हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु की दशा में 1 लाख से बढ़ाते हुए उसे 2 लाख रुपए की धनराशि की गई। विशेष जोखिम वाली ड्यूटी पर मृत्यु की दशा में 75,000 के स्थान पर 1,50,000 की धनराशि की गई है। सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में 50,000 के स्थान पर 1 लाख की धनराशि की गई। पूर्व में ड्यूटी में मृत्यु की दशा में दाह संस्कार हेतु कोई धनराशि का प्रावधान नहीं था। वर्तमान में नियमावली में 10,000 का प्रावधान किया गया है। पीआरडीए स्वयंसेवकों की ड्यूटी प्रशिक्षण के दौरान प्राकृतिक आपदा होने वाले नुकसान क्षति हेतु संबंधित अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम 50,000 का प्रावधान किया गया है, जो किसी समय 5,000 से 10,000 की धनराशि मात्र हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के दौरान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे पीआरडी स्वयंसेवकों के प्रति स्वयंसेवक रुपए 6,000 की धनराशि दिए जाने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की गई, जिसमें आतिथि तक 4,651 पीआरडी स्वयंसेवकों को लाभान्वित कर दिया गया है, जो लगभग 2,79,06,000 की धनराशि आपको समर्पित की गई।
इसके साथ साथ में पीआरडी एक्ट 1948 संशोधन अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है तथा एक्ट के अनुरूप नियमावली संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है, वह भी बहुत जल्द वह नियमावली प्रख्यापित की जाएगी और उसमें आपके ऐसे बहुत सारे हितेशी निर्णय हैं जो मुझे लगता है कि अगली बार जब हम अपने स्थापना दिवस को मना रहे होंगे तो उसमें उसका व्याख्यान निश्चित रूप से हम सब लोग सुनेंगे। इसके साथ ही एक और विषय था जो कि आपकी भावनाओं के अनुरूप किया गया कि हमारे पीआरडीए जवानों की जब रिटायरमेंट होने की उम्र आती थी तो पूर्व व्यवस्था 50 वर्ष की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे 60 वर्ष करने का काम किया है। तो लगातार आपके हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस कोशिश में कि हमारे पीआरडीए जवानों के हित में अधिक से अधिक निर्णय सफलतम रूप से शासनादेश के रूप में इम्प्लीमेंट हो, वह लगातार विभाग करने का काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि जब जब विषय पीआरडी जवानों के हित में निर्णय का आया है आपने अपना सहयोग प्रदान किया है और निश्चित रूप से इस स्थापना दिवस पर कुछ चीजें और आपसे आशीर्वाद के रूप में चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ओर से भरपूर आशीर्वाद हमारे पीआरडी जवानों को यहाँ पर मिलेगा। आप ही के आशीर्वाद से आज हमारे पीआरडी जवान जो हमारे मध्य में नहीं रहे हैं उनके आश्रितों को चेक वितरण भी यहाँ पर किया जाएगा ताकि वह भी धनराशि आपके द्वारा बढ़ाने के निर्देश से बढ़ाए गए हैं, बढ़ती हुई धनराशि के साथ में आपके आश्रितों को यहाँ पे सांकेतिक रूप से दिया जाएगा। तो ये लगातार यही कोशिश है कि आप सब लोग सक्षम बने। आपने वह भी दरवाजे खोले कि हमारे पीआरडी जवान केवल शांति सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी हमारे पीआरडीए जवानों को अवसर मिल सके, वह भी रास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीआरडीए एक्ट 1948 के संशोधन में व्यवस्था दी। तो इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि इन मात्र एक साल या डेढ़ साल के इस कालखंड में लगातार आपके हित में बेहतरीन निर्णय किए जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से राज्य सरकार को मिलता रहे, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी उसी क्रम में हम सब पाते रहेंगे। आप सब लोगों को पुनः पीआरडीए स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे रैतिक परेड यहाँ पर करके दिखाया है, मुझे लग रहा था कि आप पुलिस के जवानों से आप कहीं पे भी कमतर नहीं है। जो जोश आप में दिख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर, वह आपके भाव से निश्चित रूप से छलक रहा था। आपका ये खुशी का भाव निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी न किसी निर्णय में आप सब लोग जरूर महसूस करेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदया। और कार्यक्रम के अगले क्षण में पीआरडी स्वयं सेविकों के आश्रितों को सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। मेरा विशेष प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन रहेगा कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को अनुरोध करने का कष्ट करें। श्रीमती नीमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री चंदन सिंह, श्री चंदन सिंह खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट में तैनात थे। 17 मई 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। हम विशेष संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और इस सहायता राशि 50,000 का चेक प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती विमला देवी अगले क्रम में स्वर्गीय श्री श्यामलाल जनपद उत्तरकाशी, स्वर्गीय श्यामलाल पुलिस चौकी उत्तरकाशी में तैनात थे, जिनकी मृत्यु 24 मई 2023 को हुई है। 75,000 की धनराशि का चेक आपको समर्पित किया जा रहा है। श्रीमती ममता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जनपद नैनीताल, स्वर्गीय श्री विनोद कुमार संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में तैनात थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 23 मार्च 2023 को हुई। सहायता राशि स्वरूप 50,000 का चेक और इसके पश्चात वह क्षण जिसमें पीआरडी के घोष वाक्य का लोकार्पण किया जाएगा। मेरा
मंचासीन अतिथियों से विशेष आग्रह कि आज पीआरडी के जवान इस घोष वाक्य के तले जोरदार तालियों से स्वागत, पीआरडी का लोगो, इसके स्थापना दिवस और इसके पश्चात घोषवाक्य। निरंतर हम प्रगति के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अग्रिम क्रमों पर हम इस कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह हेतु अनुरोध करेंगे। और मेरा डायरेक्टर महोदय से निवेदन कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षण का स्मृति चिन्ह जिसमें घोष वाक्य भी अंकित है इसको भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके माध्यम से होनी चाहिए। और इसके बाद पश्चात माननीय मंत्री जी को निदेशक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और इसके बाद हमारे बीच उपस्थित है परमश्रद्धेय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी को भी स्मृति चिन्ह माननीय निदेशक महोदय के कर कमलों के माध्यम से और विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित कुमार सिन्हा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा निवेदन निदेशक महोदय से कि कृपया पीआरडी स्थापना दिवस के इस भव्य अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां। और देवी और सज्जनों, शुभ संकल्पों का संकलन है, विधाता के लेखन का पवित्र आचमन है। पुरुषार्थ को भाग्य, पुरुषार्थ से भाग्य को खींचने वाले उस वीर शिरोमणि, उस वैज्ञानिकों की परिकल्पना का शोधन है। अंतर मन की भावनाओं को स्पर्श करने, गर्व समर्पण हर्ष के भाव चेहरे पर लिए आपका हृदय में शुभ आगमन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन हेतु स्वागत है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। पीआरडी स्थापना दिवस के अवसर पर अभी हम सब लोगों ने जिनका संबोधन यहाँ से सुना, हमारे युवा कल्याण पीआरटी और अनेकों विभागों का जो काम देखती हैं लगातार, उनके विकास के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, उनके विस्तार के लिए अनवरत रूप से काम करने वाली हमारी माननीय मंत्री बहन रेखा आर्य जी, इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी, अपर निदेशक युवा कल्याण आर सी डिमरी जी, श्री अजय अग्रवाल जी संयुक्त निदेशक युवा कल्याण, एवं आज जिस कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ऐसे मेरे सभी पीआरडी के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और आए हुए सभी उनके परिजन, हमारे सभी अतिथिगण और विद्यालयों से आए हुए बड़ी संख्या में मैंने जिनको देखा है, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सभी मीडिया के सभी हमारे बंधु, मैं सबसे पहले तो
आप सभी को आज प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। गत वर्ष भी मुझे आप सबके कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, लेकिन किसी एक अन्य कार्यक्रम में आवश्यक रूप से जाने के कारण से मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया था, और मन में बहुत इच्छा थी इस वर्ष मैं आप सबके बीच में आ पाया, इस शुभ अवसर मुझे मिला। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रैली परेड आप सबके द्वारा यहाँ पर की गई है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के हमारे समर्पित स्वयंसेवकों को निश्चित रूप से देखना, उनके बीच में आना, उनका सम्मान करना, मैं स्वयं का मतलब अपने आप में मैं सोचता हूँ कि आप सबका सम्मान करना स्वयं का सम्मान से भी बढ़कर है। आपकी परेड बहुत ही शानदार थी, मुझे बहुत खुशी है कि अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से आप सबके द्वारा चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, या कोई भी आने वाली आपदा हो, या जहां पर भी कमी होती है, जहां कम और वहां हम, इस प्रकार का एक घोष वाक्य पीआरडी के लिए मैं कह सकता हूं। और मैंने पिछले दिनों सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान भी अपने पीआरडी जवानों की वहां पर उपस्थिति देखी, और आप सब स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा समर्पण भाव से समाज में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, और अनेकों क्षेत्रों में जो हमारी आज एक इमेज बन रही है, उस इमेज में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके उत्साह और समर्पण ने हमें एक मजबूत एवं सुरक्षित समाज की दिशा में कदम से कदम बढ़ाने का हौसला दिया है। भाइयों बहनों, प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से की जा रही सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा कार्य, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपकी सहायता निश्चित रूप से जहां पूरे समाज को, हमारी सरकार को और आने वाले लोगों को दी जा रही है वो अनुकरणीय है। राज्य सरकार ने भी आपके साहस और सेवा को प्राथमिकता देते हुए अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से रेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने रखा। पीआरडी स्वयंसेवकों के जो हमारे मृतक आश्रित है, उनके पंजीकरण का शासनादेश होना जारी होना इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक 116 मृतक आश्रितों को पंजीकृत किया गया है, इनमें से 70 मृतकों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 25 हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। हमारी सरकार ने आप सभी की पारिवारिक सुरक्षा और संरक्षण हेतु भी कदम उठाया है। इसके अलावा प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली अगस्त 2023 में प्रख्यापित कर दी गई है, जिसमें आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि करते हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु की दशा में 1 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। इसके साथ ही अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में देय जो 75,000 की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया किया गया है। सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में 50,000 रुपये से बढ़ाकर इसे भी 1 लाख किया गया है। पूर्व में सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में जो लोग अपनी जान गंवा देते थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए एक नया निर्णय लिया है, और वर्तमान नियमावली में इसका भी प्रावधान कर दिया है। 10,000 रुपये की धनराशि भी इसमें प्रावधानित हो गई है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान हेतु संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
मैं कोविड महामारी के दौरान भी आप सब लोगों ने जिस उत्कृष्टता से कार्य किया है, उस मुश्किल समय में सभी ने अपनी उदारता और समर्पण से एक अद्भुत योगदान आपने इस महामारी के दौरान दिया है, उसके लिए मैं सभी पीआरडी के जवानों को बहुत उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य इसमें किया, जिसके सम्मान में सरकार ने 4,651 पीआरडी स्वयंसेवकों को पुरस्कार स्वरूप 6,000 रुपये प्रति स्वयंसेवक उस समय प्रदान भी किए थे, और अब तक सरकार ने 2,79,06,000 की धनराशि पीआरडी स्वयंसेवकों की इस हेतु वितरित की है। मैं आप सभी को आज इस शुभ अवसर पर, जिस दिन आपका स्थापना दिवस है, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबकी बेहतरी के लिए जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, जो भी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगी। मैं एक आह्वान आज अपने पीआरडी के जवानों से करना चाहता हूं कि आप सभी समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और उनके रक्षक भी हैं। कभी आपको लगे कि समाज को आपकी जरूरत है तो आप उनको कहे बिना उसमें जुट जाए, और आप वैसे भी जुटे रहते हैं, कहीं ट्रैफिक रुका हुआ है और कोई पुलिस का सिपाही नहीं है, तो जो मैंने अभी कहा कि जहां कम है वहां कम की स्थिति को पूरा करते हुए उस ट्रैफिक को खुलवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा, तो निश्चित रूप से वह सराहना के रूप में, समाज में एक आदर्श के रूप में लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। कहीं विपदा है, आपदा है, कहीं दुर्घटना है, तुरंत आप सेवा कार्य और बचाव कार्य में जुट जाएं। आपको सरकार ने खाकी वर्दी दी हुई है, आप रक्षक दल हैं, आपको पता है जब स्थिति असामान्य हो जाती है या बिगड़ हो जाती है तब आपको देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होता है। आप देवभूमि उत्तराखंड के रक्षक दल के सैनिक हैं, सिपाही हैं, इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए, आपकी सेवा की सर्वत्र सराहना की जाएगी। और एक बात मैं अवश्य आप सबसे आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, जब भी हम परिश्रम करते हैं, कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी हम स्वयं नहीं बोलते हैं, अपने बारे में हम स्वयं प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उस समय हम न बोलकर बल्कि हमारा काम बोलता है। आज के इस अवसर पर मैं आपके लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। यह घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपए प्रतिमाह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मानसिक मानदेय है, मासिक मानदेय है, उसको क्रमशः 600 रुपए एवं 300 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 1,000 रुपए एवं 500 रुपए किया जाएगा। आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपए प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी और भी आपके सब प्रस्ताव आए हैं, क्योंकि ये हमारे वित्त विभाग और सभी विभागों ने इसको देखने के बाद ये मैंने आप सबके समक्ष आगे के लिए घोषणाएं की हैं। जो अन्य भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को भी हम लोग अपने आगे की हमने समीक्षा में और कार्यक्रमों में जो आगे कार्य रूप देना है उसमें रखा है, जल्दी हम उस पर भी आप सबके हित में अन्य निर्णय भी लेंगे। अंत में मैं आप सभी से हमारे श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प है, संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए आप सबसे भी आपके सहयोग और आपके
समर्थन की अपील करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से और जितनी बार उत्तराखंड को आए हैं, हर बार उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक, यानी कि ये 10 साल आने वाले वो उत्तराखंड के साल होंगे, यानी कि उत्तराखंड तरक्की पर होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड देश के लिए एक मॉडल राज्य होगा। उस राज्य को बनाने का काम हम सबको करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ये शब्द जहां हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं उनके ये शब्द हमारे अंदर एक कर्तव्य बोध का आभास भी हमको कराते हैं, हमारे कर्तव्य के प्रति भी हमको कहीं ना कहीं अग्रसारित करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों में आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शानदार परेड के लिए और करने वाले हमारे सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पीआरडी स्वयंसेवकों को आज के दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।